नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। यमन के अदन एयरपोर्ट के पास दो कार बम धमाके, मिलिट्री बेस कैंप को बनाया गया निशाना, हमले में गई चार लोगों की जान। आईएसएस ने वीडियो जारी कर बांग्लादेश में और हमले करने की दी धमकी, प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को बताया काफिर। चीन में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी, अब तक 128 लोगों की मौत, 42 लोग लापता, 47 लाख एकड़ जमीन पर फैली फसल नष्ट। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को राहत, ईमेल सर्वर मामले में हिलेरी के खिलाफ नहीं मिले कोई सबूत, एफबीआई ने सबूत नहीं मिलने पर दी क्लीन चिट। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने इस्तीफा देने की मांगों को किया खारिज, चुनाव में किसी को नहीं मिला बहुमत, त्रिशंकु संसद की जताई जा रही है आशंका। सऊदी अरब में हुए सीरियल बम धमाके के सलमान खान ने की निंदा, कहा मदीना हमले के दोषियों को मिले सजा, हमलावरों ने हर पवित्र चीज का किया है अपमान। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।